पत्रकार सवाल पूछता है वो आपको डिस्टर्बिंग एलिमेंट रखता है। हर नेता के साथ यही कहानी है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अभी साइलेंटली सुनो। ओके, गौरव भाटिया, अखिलेश प्रताप सिंह ने काफी कुछ बोला कि आप जांच करवा लें, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी कोट करा, आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए क्रमवार तरीके से मैं बात कहूंगा, थोड़ा समय दे दीजिएगा। सबसे पहले तो आज देश गौरवान्वित है, हर भारतीय का सीना 56 इंच का हो गया है। लेकिन आपने देखा होगा अमीर जी, जब रफेल आए तो वाटर गन सल्यूट मिला, मतलब पानी के गोलों की सलामी मिली। उसकी वजह थी कि भारत तो गौरवान्वित था लेकिन कांग्रेस हेडक्वार्टर में आग लगी हुई थी, कुछ लोगों के सीने में ज्वाला जल रही थी। कांग्रेस हेडक्वार्टर में कैसे आग लग गई? शांत करने के लिए ऐसे आग लग गई। आपने बिल्कुल सही बात उठाई अमीर जी, चुनाव 2019 का याद करिए, जगह जगह जाके 50 साल का परिपक्व बालक क्या कहता था, चौकीदार चोर है। आज पूरा देश कह रहा है कि चौकीदार तो चौकन्ना है लेकिन राहुल गांधी निकम्मा है। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं एक बात कहता हूं, क्या राहुल गांधी का एक भी ट्वीट आपने देखा है? अगर देखा हो तो मुझे जरूर जानकारी दीजिएगा। मेरे साथी हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी कहीं चीनी मरा? तो आप राहुल गांधी के ट्वीट का इंतजार कर रहे थे गौरव भाटिया? आपको लग रहा था जो राहुल गांधी हार गए, रफेल करते करते फेल हो गए 2019 के अंदर, वो आपको ट्वीट करके बधाई देंगे, आप उनके ट्वीट का इंतजार कर रहे थे? मैं क्यों, देखिए कई बार ऐसा होता है, उम्मीद मैं जरूर करता हूं जैसे कोई भी भारतीय करता है, क्योंकि हर भारतीय के लिए बड़ा ही गर्व करने वाला दिन है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको भी उम्मीद राहुल गांधी से? एक मिनट अमीर जी, हर लाइन पे टोकेंगे तो मैं अपनी बात नहीं रख पाऊंगा। आप अपनी बात कहिएगा, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। देखिए मैं आपको याद दिलाता हूं, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार जब रफेल पे बात करती थी तो कमीशन खोरी की बात करती थी, अपना कितना रुपया अंदर आएगा खानदानी चोर चाहते थे। मोदी जी की मजबूत नेतृत्व की सरकार आई, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई और आज रफेल आ चुके हैं। यही इनका कष्ट है, जो ये नहीं कर पाए वो मोदी जी ने करके दिखाया। और तीन बड़े परेशान है लोग, कौन कौन? चीन, आज चीन थर थर कांपेगा, सोएगा नहीं, पाकिस्तान में मातम मन रहा है और कांग्रेस हेडक्वार्टर में गांधी। ओके, अखिलेश जी जवाब चाहे देख लीजिएगा उनको। अभी नहीं, आपने बोला अखिलेश प्रताप सिंह को 40 सेकंड दीजिए, फिर मैं आपके पास दोबारा आपको मौका दूंगा। गौरव जी 40 सेकंड अखिलेश जी, आप क्या माता समय आपने उन्हें दिया, मुझे अपनी बात तो रख लेने। आपको भी मैंने नॉनस्टॉप 1.5 मिनट का ही समय दिया और उसके बाद आपको से मैंने सवाल जवाब करे। अब अखिलेश जी की बारी है। अखिलेश जी आपके यहाँ मातम भी बन रहा है, आपके यहाँ धुआं भी निकल रहा है, आप लोगों ने तो नारा लगाया था चौकीदार चोर है।